Assalamualaikum friends, this is Fazila Ansari and welcome to my YouTube channel. So friends, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर ग्लो फेशियल, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने किया है। अगर आप इस फेशियल को हफ्ते में एक दफ़ा भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल, यंगर लुकिंग और इतनी ग्लो करेगी कि आप दिखते रह जाएंगे। सच में फ्रेंड्स, इस विंटर ग्लो फेशियल का रिजल्ट इज अमेजिंग। आप घर की ही चीज़ों से इसे बासानी कर सकते हैं। इसमें कोई मैंने हार्मफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे मैंने किस तरह से किया है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट बताने से पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विंटर ग्लो फेशियल को करने का हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है डीप क्लींजिंग, जिसे बनाने के लिए आपने एक बाउल में 1 टेबल स्पून के करीब लेना है ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर आपकी स्किन से बहुत ही अच्छे से ऑयलनेस को रिमूव करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है। सेकंड, आपने लेना है 1 टेबल स्पून के करीब मैदा। मैदा आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इसके बाद इसे अच्छा सा मिक्सचर बनाने के लिए आपने लेना है मिल्क। मिल्क इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून के करीब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा डीप क्लींजर रेडी है। अब आपने इस क्लींजर से 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करना है, बहुत ही अच्छे से रब करना है और 5 मिनट के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। विंटर ग्लो फेशियल को करने का सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन, जिसे करने के लिए आपने लेना है एक एम्प्टी बाउल में 1 ग्रीन टी का साशे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इस ग्रीन टी को थोड़ा सा पीस लिएगा फिर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे बना के रख देना है। और फिर इसके बाद आपने अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर बना के रख लिया था, अब मैं अपने फेस पर इसे अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी कि आपको इसका रिजल्ट बहुत पसंद आने वाला है। सच में फ्रेंड्स, आपने इसे अच्छे से बिल्कुल लाइटली हाथों से मसाज करना है और फिर 5 मिनट मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड स्टेप है फेस मसाज, जिसे बनाने के लिए आपने एक एम्प्टी बाउल में लेना है 1 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर और फिर इसमें ऐड कर देना है 2 टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद आपने अपने फेस को 10 मिनट तक इससे मसाज करना है। बिल्कुल अच्छे से लाइटली हाथों से आपने मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स वगैरह या वाइट हेड्स वगैरह हैं तो आप उसे रिमूव कर सकती हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप अपने फेस पर हल्की सी स्टीम ले लें, या तो कपड़े की हेल्प से या फिर आप इस तरीके से भी स्टीम ले सकती हैं और ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा 4th स्टेप होगा फेस मास्क। इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपने लेना है बॉयल पोटैटो। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से मैश कर लें या फिर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लें। मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मसूर दाल का पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब मुल्तानी मिट्टी और फिर इसमें मिल्क ऐड करके आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि अच्छा सा फेस मास्क रेडी कर लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी 3 से 4 कतरे डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे 2-3 दाने हैं बारीक बारीक से। तो एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती है टी ट्री ऑयल में, जो कि आपके एक्ने वगैरह को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लोग डाल लें, वरना स्किप कर दीजिएगा। और ये हमारा फेस मास्क रेडी है। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी।
सो फ्रेंड्स, आपने फेस पर मास्क अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट में आपका मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। अच्छा, तो ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का मास्क हो जाएगा, फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी ट्रीटमेंट के बाद हमने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, तो अब हम अपनी स्किन को रिलैक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ विच हेजल फेशियल टोनर विथ एलोवेरा फार्मूला। अच्छा, तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन से ये बिल्कुल पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, आपकी स्किन को टाइटनिंग करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सच में फ्रेंड्स, ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा टाइट लगेगी आपको। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं इसे रिकमेंड करती हूँ, ये ऑयली स्किन वालों के लिए द बेस्ट टोनर है। और ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी बिल्कुल मेंटेन कर देता है, और मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां पर जाके इसे बाय कर सकते हैं। ये एजेड ऑर्गेनिक का है, बिकॉज मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है और ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट किया। सच में फ्रेंड्स, आई लव इट। अच्छा, तो स्किन को अच्छे से टोन करने के बाद फिर मैं मरूला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और मरूला ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये उन ऑयल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर अपने फेस पे अप्लाई करें तो बिल्कुल ऑयली और चिपचिपी से लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपकी स्किन पे लगते ही स्किन में बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपास और ग्रेसी ग्रेसी लुक बिल्कुल भी नहीं देता, इतने अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए द बेस्ट है, विंटर सीजन में भी और समर्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेशियल का रिजल्ट कितना अच्छा है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है फ्रेंड्स सच में। और मेरी इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिए, और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।